एक ऐसा खौफनाक खेल जिससे निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। गाइज इस मूवी की मैं गारंटी लेता हूं कि ये मूवी आपको डेफिनेटली पसंद आएगी, बिकॉज इस मूवी का एंड काफी सरप्राइजिंग है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपने हमारे फिल्मी टीवी चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें। मूवी के शुरुआत में हम ड्रग्स डीलर टिल्डा और पेटुला नाम की दो लड़कियों को देखते हैं जो कि यंग आर्टिस्ट भी थी, लेकिन तभी वहां पुलिस रेड पड़ जाती है जिसकी वजह से इन दोनों को सारा सामान वहीं छोड़कर भागना पड़ता है। ये दोनों पुलिस से तो बच जाती हैं, पर ड्रग्स काफी कीमती होने की वजह से ये ड्रग्स सप्लायर की कर्जदार हो जाती है, जो कि काफी रिक्वेस्ट के बाद वो उसके पैसे लौटाने के लिए इन्हें कुछ दिन का टाइम देता है। अब कुछ दिन का टाइम मिलने पर इन्हें अपनी एक ओल्ड फ्रेंड डैफनी का ख्याल आता है जो कि फिर रिच थी। टिल्डा और पेटुला डैफनी के लोकर से पैसे चुराने का प्लान बनाती हैं। इसी के साथ इन्हें याद आता है कि ये दोनों बचपन में डैफनी के साथ एक गेम खेलती थी जिसमें डैफनी माँ बनती थी, टिल्डा डैफनी की बेटी और पेटुला डॉक्टर। लेकिन बचपन में इनके साथ एक एक्सीडेंट हो जाता है, डैफनी बालकनी से गिर जाती है जिसके सिर पर चोट लगने से वो मेंटली इल हो जाती है, और सिर पर चोट लगने की वजह से डैफनी गेम में ही फंस जाती है जो कि आज तक वो गेम ही खेल रही थी। इसलिए जब भी ये डैफनी के पास जाती थी तो ये गेम कैरेक्टर ही बनकर जाती थी। अब भी इन्हें डैफनी के पास जाकर गेम कैरेक्टर ही प्ले करना था, और फिर ये डैफनी के पास जाने के लिए ट्रेन में रवाना हो जाती हैं, और कुछ देर बाद ही टिल्डा और पेटुला गेम के मुताबिक अपनी ड्रेसेस चेंज करके दोनों मैंशन के बाहर पहुंच जाती हैं, जहां पेटुला अपना सेलफोन वहां के लेटर बॉक्स में छुपा देती है। इसके बाद टिल्डा जो बेटी बनी हुई थी वो पहले मैंशन के अंदर जाती है, तो डैफनी माँ का कैरेक्टर प्ले करती हुई बेटी टिल्डा को देख कर काफी खुश होती है। पर तभी पेटुला भी मेल डॉक्टर बनकर मैंशन के अंदर आती है जो कि टिल्डा का चेकअप करती है, जो सब नॉर्मल होता है, पर टिल्डा खेलने के लिए तैयार नहीं थी, तो डैफनी को काफी गुस्सा आता है बिकॉज उसने उस गेम के 3 रूल्स बनाए थे। नंबर 1, इस गेम को सभी खेलेंगे। 2, बाहर का कोई भी आदमी अलाउड नहीं होगा। 3, कोई भी इस गेम को छोड़कर नहीं जाएगा। तो डैफनी नंबर 1 रूल बरे के हिसाब से डॉक्टर पेटुला को बोलकर एक बड़े हमर से टिल्डा को पुनिश करवाती है, और फिर उसे रस्सी से भी बांध देती है। इसके बाद रात को पेटुला लोकर ढूंढने लगती है, पर तभी डैफनी उसे देख लेती है जो कि पेटुला को मेल डॉक्टर समझ रही थी, तो वो उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। और जब अगली सुबह होती है तो डैफनी प्रेगनेंसी टेस्ट करने लगती है, बिकॉज वो सोच रही थी पिछली रात डॉक्टर के साथ जो उसने किया उससे वो प्रेगनेंट हो गई। और एक तरफ पेटुला टिल्डा को पिछली रात का किस्सा सुनाती है जिसे सुनकर वो खूब हंसने लगती है, जिसके बाद ये दोनों ड्रग्स लेकर मस्ती में भी झूमने लगती है। इसी के साथ टिल्डा जो गेम से बोर हो रही थी वो पेटुला के साथ डैफनी की कार लेकर भागने लगती है, लेकिन ये भाग पाती उससे पहले ही डैफनी आकर अटैक करके इन्हें बेहोश कर देती है। और जब इन्हें होश आता है तो वो मैंशन में खुद को बंधा पाती हैं, बिकॉज उन दोनों ने रूल नंबर 3 तोड़ा था। इसके बाद पड़ोसी की कंप्लेंट पर एक डिटेक्टिव वहां आता है जिसे बताया गया था कि कुछ दिन से डैफनी के घर चिल्लाने की आवाजें आ रही है। डिटेक्टिव समझ गया था कि टिल्डा और पेटुला इसी मैंशन में आई है, बिकॉज वो उन तीनों को बचपन से ही जानता था। डिटेक्टिव मैंशन में सर्च करने लगता है, पर सर्च वारंट न होने की वजह से डैफनी उसे रोक देती है, जिसके बाद डिटेक्टिव डैफनी को टिल्डा और पेटुला की सच्चाई कि वो क्रिमिनल है, कहीं वो तुम्हें भी चोट न पहुंचा दे, ये बताकर वहां से चला जाता है। अब डैफनी समझ चुकी थी वो दोनों उसके पास क्यों आई हैं, और वो उनके साथ एक गेम खेलती है जो कि वो उन दोनों को अपना पैसों से भरा लॉकर ढूंढने की एक पहेली सुलझाने को बोलती है। कुछ देर में ही पेटुला लॉकर ढूंढ कर टिल्डा के साथ सारा पैसा बैग्स में भर कर ये सोचकर वहाँ से जाने लगती है कि वो इन पैसों को सप्लायर को वापिस करके फिर से एक नई लाइफ स्टार्ट करेंगी। पर मैंशन से बाहर निकलते ही डैफनी इन दोनों को पकड़ लेती है और वापस मैंशन लाकर टिल्डा को एक केज में बंद करके उसे टॉर्चर करने लगती है, और फिर पेटुला के पास जाकर उसे भी टॉर्चर करती है। इसके बाद अगले दिन पेटुला डैफनी से बदला लेने के लिए डैफनी को बोलती है कि उसे उसके बच्चे के लिए एक ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर पेटुला की ये बात सुनकर डैफनी मान जाती है, और जब ऑपरेशन के बहाने वो दोनों डैफनी को मारने ही वाली थी कि तभी डिटेक्टिव आकर उन्हें गन पॉइंट पर अरेस्ट करने की सोचता है, पर तभी डैफनी उठ जाती है जो कि डिटेक्टिव पर अटैक करने लगती है, और कुछ ही देर में ये तीनों डिटेक्टिव को मारकर मैंशन के यार्ड में दफना देती हैं। इसके बाद ये तीनों मिलकर एक लंच पार्टी करती हैं, और टिल्डा डैफनी की बेटी की तरह ही बिहेव करती है। वहीं पेटुला भी खुद को डॉक्टर समझकर सेविंग करने लगती है, और फिर अगले दिन पेटुला बाहर घूमने जाती है तो वो खुद का लेटर बॉक्स में रखा सेलफोन देखती है जो कि वहां नहीं था, और तभी वो मैंशन यार्ड का वही हिस्सा खोदकर देखती है जहां उन तीनों ने डिटेक्टिव
डिटेक्टिव की डेड बॉडी को दफनाया था, पर वहाँ डिटेक्टिव की डेड बॉडी नहीं थी। इसके बाद पेटुला मेंशन के अंदर जाती है तो उसे उसकी एक डायरी मिलती है जिसमें वो सब कुछ था जो अब तक उनके साथ हुआ था। वो सब पेंटिंग्स बनाकर मेंशन किया गया था, मतलब कि अब तक जो कुछ भी हुआ था वो सब पेटुला की इमेजिनेशन थी। और तभी उसके पास डैफनी आती है जो उसे बोलती है कि फाइनली तुम्हें सच्चाई का पता चल ही गया। पर पेटुला को यकीन नहीं आता। वो टिल्डा के पास जाती है तो टिल्डा भी उसे यही बताती है, उसके अलावा तुमने इस गेम से भागने की कोशिश की थी तो हमने तुम्हारे हाथ जलाकर पुनिश भी किया था। पेटुला को अब भी यकीन नहीं था और वो अपने ड्रग सप्लायर को कॉल करती है तो पता चलता है वो ड्रग सप्लायर कोई और नहीं बल्कि डैफनी ही थी। इसी के साथ वहाँ पड़े कुछ खिलौने दिखाए जाते हैं जिसमें एक ट्रेन थी। पेटुला अपनी इमेजिनेशन में उसी ट्रेन में टिल्डा के साथ आई थी। खिलौनों में एक पुलिस कार थी जो उसे इमेजिनेशन की दुनिया में असली पुलिस की कार लगी। इसके अलावा 3 डॉल्स थी जिनको पेटुला ने खुद से कंपेयर किया था। इसके बाद ये तीनों बाथटब में जाकर मरने का नाटक करती हैं ताकि ये फिर से गेम स्टार्ट कर सके। और फिर कुछ साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ डैफनी भी अब बूढ़ी हो चुकी थी, पर तभी टिल्डा डैफनी को माँ कहकर बुलाती है, यानी कि ये तीनों अब तक गेम ही खेल रही थी। और इससे हमें पता चलता है कि ये तीनों मरते दम तक ये गेम खेलती रहेंगी। गाइज ये थी ब्रेड मूवी की स्टोरी, उम्मीद करता हूँ आपको काफी पसंद आई होगी। अब प्लीज वीडियो को लाइक करके फिल्मी टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे जल्दी ही एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय बाय।